बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के ऊपर सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले क्ले पाकिस्तान लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2011। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ईयर एंड हमारा है 30th जून 2011। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2010 and 2011 बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एस फॉलोज। सर आपके पास 2010 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, 2011 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, ठीक है जी। दूसरी OCI में आपके पास चीज़ क्या मौजूद है, आपके पास है एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन इनकम, सही। तो आपके पास OCI में भी दो चीज़ें अपना दो इनकम्स आ गई दोनों सालों की, और फाइनली टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी निकाल के दे दी। पॉइंट नंबर टू, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2010 and 2011 अमाउंटिंग टू ₹1769 मिलियन एंड ₹1483 मिलियन रिस्पेक्टिवली वॉज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट टू रिटेन अर्निंग। सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर भी आ गया आपके पास सीधा सीधा। कैश डिविडेंड एंड बोनस इज डिक्लेयर्ड पेड ड्यूरिंग द लास्ट टू ईयर्स आर एस फॉलोज। सर 2010 के लिए आपको दिया गया आपने कैश पे किया है इंटरिम और फाइनल, बोनस इंटरिम और फाइनल 2011 के लिए भी इसीलिए तरह किया गया काम। अच्छा फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, CPL फॉलो द पॉलिसी ऑफ ट्रांसफरिंग 30% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, सही है। आपके पास ट्रांसफर पॉलिसी भी आ गई। पॉइंट नंबर 5 में बोल रहा है कि CPL परचेज्ड अ न्यू प्लांट हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹225 मिलियन बाय इशूइंग 15 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड द प्लांट वॉज परचेज्ड ऑन 31st अक्टूबर 2011। सर हमने किया क्या, हमें एक प्लांट ख़रीदना था, सही है। अब इस प्लांट को ख़रीदने के लिए हमारे पास कैश नहीं था, तो हमने क्या बोला, हम गए बायर के पास और इसको बोला भाई तुम हमारे शेयर्स ख़रीद लो, सही, पैसों की जगह हमसे तुम शेयर्स ले लो, सही। इससे क्या होगा सर, हमने प्लांट की वैल्यू हम शेयर्स के थ्रू पे कर देंगे, तुम्हें जब भी कैश चाहिए हो अपने शेयर्स को बेच के कैश ले लेना, तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है, सही। तो हमने बेसिकली प्लांट ख़रीदने के लिए अपने शेयर्स प्रोवाइड कर दिए बायर को, कोई मसला नहीं। सर अगर मैं इसको देखूं तो ये जो पूरी चीज़ है ये मेरा इशुएंस ऑफ शेयर्स है, सही। नॉर्मल जैसे मैं शेयर्स इशू करता हूँ, इस मरतबा नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा एबनॉर्मल हो गया कि मैंने प्लांट के थ्रू शेयर्स परचेज किए, ठीक है जी, शेयर सेल किए सॉरी अपने। पॉइंट नंबर 6 में बोल रहा है कि शेयर कैपिटल इन रिजर्व एज एट 30th जून 2010 वर एज फॉलोज। अच्छा सर अब ध्यान से ज़रा देखें, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर 30th जून 2011। सर 2011 के लिए हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है और बैलेंसेज हमें ओपनिंग किस लिए दिए हुए हैं, ईयर 2011 के ही ओपनिंग बैलेंसेज हैं, 30th जून 2010 में ईयर 2011 ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी बैलेंसेज हैं हमारे पास ये सारे के सारे हमारे ओपनिंग बैलेंसेज आ गए, ठीक है जी। अच्छा क्या क्या है आपके पास, शेयर कैपिटल है, प्रीमियम है, ट्रांसलेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। सर अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट क्या होता है, सर वो प्रॉफिट जो हमने अप्रोप्रिएट ना करा हो, अप्रोप्रिएट ना किया हो मतलब जो हमने बांटा ना हो, जिसको हमने रिटेन करके रखा हो, तो ये बेसिकली आपके पास रिटेन अर्निंग है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 7, CPL इशूड 18% राइट शेयर्स ऑन 30th सितंबर 2010 एट ₹16 पर शेयर, 30% राइट शेयर्स ऑन 2nd जन 2011 एट ₹26 पर शेयर। सर आपने दो मरतबा साल के दरमियान में राइट इशू किया है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम अपनी क्रोनोलॉजी डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। सर सबसे पहला काम हमने फाइनल डिविडेंड, इसके बारे में बोला उसने कि अगस्त में पे किया, जून से हमारा महीना शुरू साल शुरू हो रहा है, जून नहीं बल्कि जुलाई से हमारा साल शुरू हो रहा है, सही है जी। हमने अगस्त में सबसे पहले फाइनल डिविडेंड पे किया, फिर उसके बाद नवंबर में हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया, तो सर मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के नवंबर लिख देता हूँ, नवंबर में हमारा आया इंटरिम डिविडेंड। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ थी, सर प्लांट जो हमने परचेज किया हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 22.5 मिलियन, ये हमने किस दिन किया, 31st अक्टूबर, तो सर नवंबर से पहले अक्टूबर में हमने प्लांट परचेज किया होगा, ठीक है जी। सबसे पहला अगस्त में किया, फिर उसके बाद अभी अक्टूबर में प्लांट आया, प्लांट के बाद हमारा नवंबर में इंटरिम डिविडेंड आ गया। इसके अलावा और कोई काम हमने जो इक्विटी में किया हो, सर पॉइंट नंबर 7 में हमने दो मरतबा राइट शेयर्स इशू किए, पहला इशू हमने किया है सितंबर में, तो सर वो यहाँ इसके दरमियान में आएगा, सितंबर में हमारा एक राइट इशू आया। दूसरा राइट इशू हमारा हुआ है जनवरी में, तो मतलब सर वो इंटरिम डिविडेंड के बाद आएगा,
तो हमारी क्रोनोलॉजी के हिसाब से सबसे पहला हमने अगस्त में फाइनल डिविडेंड पे किया, फिर सितंबर में राइट इशू किया, अक्टूबर में प्लांट खरीदने के लिए शेयर्स इशू करे, नवंबर में हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया और जनवरी में हमने फिर से दोबारा एक और राइट इशू किया। ठीक है, ये हमारी क्रोनोलॉजी डिजाइन हुई है। अब आते हैं हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने में। कंपनी का नाम क्ले, क्ले पाकिस्तान लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2011। ठीक है जी, बैलेंसेस कौन कौन से हैं मेरे पास सर, ये ऊपर लिखे हुए, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, ट्रांसलेशन है, जनरल रिजर्व है, इसके अलावा रिवैल्यूएशन सरप्लस है और रिटेन अर्निंग या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, जो भी आप नाम देना चाहें। ठीक है जी, स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर, ओपनिंग बैलेंसेस से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस सवाल ने हमें बताया 10,340 मिलियन रुपीज, इन मिलियन में ही काम कर लेते हैं सर। वर्किंग्स इन रुपीज इन मिलियन, ठीक है जी। अच्छा, शेयर प्रीमियम का ओपनिंग है हमारे पास 1,340, ट्रांसलेशन रिजर्व का ओपनिंग है हमारे पास 870, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 10,141, रिवैल्यूएशन के लिए ओपनिंग 2,242 और रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग 6,242। ठीक है जी, पहला हेड खोलते हैं हम अपना। पहला हेड बनेगा टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का। टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में क्या क्या आएगा सर, टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में दो चीज़ें आएंगी, एक तो हमने प्रॉफिट कमाया था साल के दरमियान, प्रॉफिट फॉर द ईयर, और साथ ही साथ एक एक्सचेंज गेन के बारे में भी प्लांट ने इन्फॉर्मेशन दी थी हमें, सवाल ने इन्फॉर्मेशन दी थी हमें। ये रहा सर, प्रॉफिट हमने साल 2011 के लिए कमाया 5,240 और एक्सचेंज डिफरेंस हमने कमाया 155। सर ये 2010 का क्यों दे दिया सर, उसकी मर्जी देता रहे, अगर ज़रूरत नहीं पड़े इस चीज़ की हमें तो हम नहीं यूज़ करेंगे, कोई मसला नहीं है। इन्फॉर्मेशन वो कुछ भी देता रहे, बस जो ज़रूरत की चीज़ें वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हों। तो इस इन्फॉर्मेशन में 2011 हमारे लिए काम की है, 2010 काम की नहीं है, वो पड़ी रहे ऐसी। खैर, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा आया 5,240, इसको मैंने रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर दिया, और ट्रांसलेशन रिजर्व की जो मेरे पास इनकम आई 155 की, उसको मैंने ट्रांसलेशन इनकम में ऐड कर दिया। ठीक है जी, ये मेरी टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम मुकम्मल हुई। टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के बाद अगला हेड मेरा बनता है ट्रांजैक्शंस विद शेयर होल्डर्स। सही है जी, क्रोनोलॉजी के पास चलते हैं सर, क्या क्रोनोलॉजी थी, सबसे पहले फाइनल डिविडेंड, फिर राइट इशू, फिर प्लांट, फिर इंटरिम डिविडेंड, फिर अनदर राइट इशू। ठीक है जी, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन मेरी फाइनल डिविडेंड, सर 2011 के लिए अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे 2010 के फाइनल डिविडेंड को देखने होंगे। 2010 में मैंने फाइनल कैश डिविडेंड पे किया 20% का, और 2010 में मैंने बोनस डिविडेंड पे किया 10% का। सही है जी, 2010 का कैश फाइनल मेरा 20% और बोनस फाइनल मेरा 10%। तो कैश एट द रेट ऑफ 20% और बोनस एट द रेट ऑफ 10%। क्या करेंगे सर, शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 20% जब मैं करूंगा तो मेरे पास कैश डिविडेंड की फिगर आ जाएगी, और अगर इसी को मल्टीप्लाई बाय 10% कर दूं तो मेरे पास बोनस की फिगर आ जाएगी। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन जीरो थ्री फोर जीरो इंटू 20% विल गिव अस 2,068, ये रिटेन अर्निंग्स में से माइनस हो जाएगा, और 10,340 इंटू 10% इज़
1034 ये भी रिटेन अर्निंग से माइनस हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये शेयर कैपिटल के बैलेंस में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, फाइनल डिविडेंड हो गया सर इनकॉर्पोरेट। अगली बारी थी राइट इशू की, राइट इशू के पास चलते हैं। 18% राइट इशू ऑन 23rd September 2010, 18% राइट इशू किया है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा सर, दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। मैं थोड़ी सी वर्किंग भी बना लेता हूं इसकी, चले राइट इशू सर ओपनिंग बैलेंस था मेरा 10340, इसमें बोनस ऐड हुआ था 1034। ठीक है जी, इसको डिवाइड करूंगा 10 से तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो के बनते हैं 1137.4। सब 0.4 मतलब इसके आगे जीरोस लगे हुए हैं। ठीक है, रुपीज इन मिलियंस में हम काम कर रहे हैं ना। अच्छा, हमने इशू किया है 18% के हिसाब से, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 18%, तो राइट इशू की परसेंटेज आ जाती है मेरे पास 204.732। ठीक है जी, किस हिसाब से पेमेंट की है हमने, 20 रुपीज 16 पर शेयर के हिसाब से, तो 204.732 विल बी इनटू 10, ये हमें शेयर कैपिटल का बैलेंस देगा, और 204.732 इनटू 6 हमें शेयर प्रीमियम का बैलेंस देगा। ठीक है जी, जो कि बैलेंसेस मेरे बनते हैं 2047, मैं राउंडेड ऑफ फिगर्स लिख रहा हूँ, 2047 राइट इशू की फिगर आ जाएगी और 1228 मेरी शेयर प्रीमियम की फिगर आ जाएगी। राइट इशू आ गया, सही है जी। पहला राइट इशू था हमारा सितंबर में। अच्छा, अगली बारी किसकी थी, परचेज ऑफ प्लांट इन अक्टूबर। तो सर इसको मैं अगर इशू ऑफ शेयर्स बोल दूं, फॉर प्लांट, सही। अच्छा, ये कैसे होगा सर, मेरा प्लांट की मार्केट वैल्यू है ₹22.5 मिलियन। मतलब क्या है सर, मतलब ये कि मुझे इस प्लांट को खरीदने के लिए 225 मिलियन पे करने होंगे। मैंने 15 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करे, ठीक है जी, मैंने 15 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करे, तो इसको मैं किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करूँगा देखते हैं सर। अगर मैं 15 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, तो मेरे पास जो फिगर आती है वो आती है 150 मिलियन, सही है जी, और प्लांट की वैल्यू 225 मिलियन की है, सही। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 225 मिलियन की चीज़ मैं 150 मिलियन दे के खरीद लूँ, नहीं सर, फिर क्या करें सर। इसका मतलब ये 115 मिलियन जो शेयर्स हैं ये मैंने प्रीमियम पे बेचे होंगे, है ना, 10 प्लस समथिंग वैल्यूज होंगी जिसके ऊपर मैंने शेयर्स बेचे होंगे। तो सर निकालें कैसे, बहुत आसान सी चीज़ है सर, 225 मिलियन को डिवाइड कर दीजिए 15 मिलियन शेयर्स से, सही। 225 मिलियन की एक चीज़ खरीदनी है, उसके लिए मुझे 15 मिलियन जो चीज़ें देनी हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपके पास जवाब आता है 15, सही है जी। मतलब ये 15 वो फिगर है जिस पे मैंने अपने शेयर्स अपने हमारा एग्री हुआ कि भाई शेयर्स मेरा 15 रुपए के हिसाब से आप एक ले रहे होंगे, तो इसका मतलब शेयर कैपिटल में 10 रुपीस के हिसाब से जा रहा होगा, और 15 मिलियन इंटू 5 जो है वो शेयर प्रीमियम के अकाउंट में जा रहा होगा, समझे सर। तो वर्किंग देखते हैं नीचे आके, वर्किंग नंबर टू, प्लांट, मेरा प्लांट की वैल्यू कितनी है, 225 मिलियन, इसमें शेयर कैपिटल कैसे आएगा, 15 मिलियन
मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज पावर वैल्यू, तो ये बन जाएगा 150 मिलियन। और शेयर प्रीमियम की एक फिगर आ रही होगी 15 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5, टोटल शेयर की वैल्यू 15 थी तो 5 मतलब उसमें प्रीमियम ये चला जा रहा होगा, तो 15 मिलियन इंटू 5 विल गिव 75 मिलियन। ये दोनों टोटल करके 75 मिलियन बन जाते हैं, 225 मिलियन बन जाते हैं, सही है जी। तो मैंने अपना प्लांट खरीदने के लिए अपना शेयर 215 रुपीज़ के हिसाब से बेचा है। सर इसको निकालने का एक आसान तरीका और भी है, प्लांट की वैल्यू कितनी है 225, मैंने 15 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं, इसको अगर मैं सिंपली पावर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, सही है, अगर मैं इसको सिंपली पावर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 150 मिलियन बनते हैं, मुझे पे तो उसको 225 मिलियन करने हैं, तो सर रिमेनिंग जो 75 मिलियन है वो कहाँ से आया होगा, वो सर मेरा शेयर प्रीमियम में गया होगा, सही है जी भाई। मैं सप्लायर को अगर अपने शेयर्स की वैल्यू शेयर्स दे रहा हूँ उसके उससे कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो पार पे तो नहीं दे रहा हूँ ना, जो मार्केट वैल्यू चल रही है उसी के हिसाब से उसको भी इशू कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो प्लांट की परचेज में जो इशूंस ऑफ शेयर्स आई, 150 मिलियन मेरा शेयर कैपिटल में चला गया और 75 मिलियन शेयर प्रीमियम का पार्ट बना, ठीक है जी। अगली ट्रांजेक्शन पे चलते हैं सर, नंबर 4 जो हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया था, अच्छा जी इंटरिम डिविडेंड की क्या कहानी है सर, इंटरिम डिविडेंड फॉर द ईयर 2011 ये रहा सर, ठीक है जी। इंटरिम डिविडेंड 2011 में ढूंढेंगे, 20% का मैंने कैश पे किया, 15% का बोनस पे किया, ठीक है जी। तो इंटरिम डिविडेंड कैश एट द रेट ऑफ 20% एंड इंटरिम डिविडेंड बोनस एट द रेट ऑफ 15%, सही है जी। सर क्या तरीकेकार होगा, सर शेयर कैपिटल का ओपनिंग प्लस जितनी भी इशूंस हुई है शेयर्स की उन सबको ऐड करके अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 20% से तो मेरे पास इंटरिम डिविडेंड फॉर कैश आ जाएगा, कितना बनेगा सर ये 2714। और सर अगर इन्हीं सारे बैलेंसेस को टोटल करके मैं मल्टीप्लाई कर दूं 15% से तो मेरे पास बोनस इशू आ जाएगा जो कि बनेगा 2036। और यही चीज़ शेयर कैपिटल में ऐड हो रही होगी। और कोई ट्रांजैक्शन थी शेयर होल्डर्स के साथ, यस सर हमने राइट इशू 2 मरतबा किए थे जो कि जनवरी में हुए थे। राइट इशू हमने किस हिसाब से किया था, 30% का राइट इशू किया था एट ₹26 पर शेयर। सर मैं डायरेक्ट फिगर्स लिख रहा हूँ वर्किंग, क्योंकि नीचे बनी हुई बिल्कुल उसी तरीके की फिगर्स अपना वर्किंग हो रही होगी। आप करेंगे क्या, 10340, 1034, 2047, 150, 2036, इन सबको ऐड किया आपके पास टोटल शेयर कैपिटल आ गया, इसको डिवाइड कर दें 10 से आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, मल्टीप्लाई कर दें 30% विच इज़ द परसेंटेज फॉर राइट इशू, आपके पास नंबर ऑफ राइट इशू आ गया, और उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दें अपने इशूएंस अमाउंट से 26 पर शेयर, ठीक है जी। तो आपके पास राइट इशू के बैलेंसेज आ जाएंगे, अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास राइट इशू आ जाएगा 4682, और 16 से जो कि मेरे प्रीमियम की अमाउंट है मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास राइट इशू आ जाएगा 7491। यहाँ पे आके मेरी ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स मुकम्मल होती हैं। यहाँ पे टोटल भी चलें कर ही लेते हैं, ठीक है जी। शेयर कैपिटल का टोटल मैं अगर करता हूँ 10340, 1034, 2047, 150 एंड 2036 एंड 4682, तो मेरे पास टोटल आता है 20289, ठीक है जी। शेयर प्रीमियम का टोटल 1340, 1228, 75, 7491, तो टोटल बनता है 10135, ट्रांसलेशन रिजर्व का 870 प्लस 155 तो 1025, जनरल रिजर्व कोई अभी तक इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हुआ तो जो ओपनिंग है वही अभी तक बैलेंस चल रहा है इसका 10141, रिवैल्यूएशन सरप्लस में भी अभी तक कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है तो 2242 वैसे ही आ गया। रिटेन अर्निंग्स में अलबत्ता 6242,
प्लस 5240 का प्रॉफिट, 2068 1034 के फाइनल डिविडेंड, 2714 2036 के इंटरिम डिविडेंड, तो मेरे पास रिटेन अर्निंग के बैलेंस अभी तक आ गया 3630। ठीक है जी सर, ये ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स मेरी मुकम्मल हो गई, अगला हेड बना लेता हूँ। अगला हेड किसका बनेगा? इंटरनल ट्रांसफर्स का। इंटरनल ट्रांसफर्स में सर दो किस्म के ट्रांसफर्स थे, एक जनरल रिजर्व का ट्रांसफर जो कंपनी की पॉलिसी थी, और एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सवाल के पास चलते हैं। पॉलिसी ऑफ ट्रांसफरिंग 30% ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का 30% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा होगा, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फॉर 2010 वाज 1769, 2011 वाज 1483। सर हमारे लिए काम की कौन सी है? 1483, क्योंकि हम 2011 के लिए वर्किंग कर रहे हैं। तो जनरल रिजर्व में रिटेन अर्निंग्स में से 10% ऑफ प्रॉफिट मैंने निकाला, 524 ऐड कर दिया जनरल रिजर्व में, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का पोर्शन जो सवाल ने हमें बताया 1483, जनरल रिजर्व का पोर्शन हमारा 30% है, 10% के हिसाब से कर दिया, 30% के हिसाब से मेरी फिगर बनती है 5240 इंटू 30% विल गिव अस 1572, यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में रिवैल्यूएशन सरप्लस से अमाउंट निकाली 1483 और ऐड कर दी रिटेन अर्निंग्स में, तो सर ये मेरा इंटरनल ट्रांसफर का बैलेंस भी मुकम्मल हो गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेना सिर्फ। तो क्लोजिंग बैलेंसेज में अगर लिखूँ तो शेयर कैपिटल का बैलेंस ऊपर से ही आ गया 20289, शेयर प्रीमियम का 10135, ट्रांसलेशन का 1025, जनरल रिजर्व का बैलेंस चेंज हो गया अब 11713। अच्छा, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस मेरे पास माइनस होने के आया 759, और रिटेन अर्निंग्स का टोटल मेरे पास आ गया 3541। ये मेरे पास 2011 के क्लोजिंग बैलेंस आ गए। उम्मीद है सर ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मुश्किल जो चीज़, तो खैर मुश्किल तो नहीं बोलेंगे, जो डिफरेंट जो चीज़ इस सवाल में थी वो पॉइंट नंबर 5 था कि आपने प्लांट खरीदने के लिए शेयर्स इशू किए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरीके से सर अगले सवाल के पास चलते हैं।